बच्चों आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब दोनों में फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मींस होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी के लिए हम H यूज करते हैं, और अगर यहाँ एनर्जी होती तो हम E भी यूज कर सकते थे। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है ना, जितनी एनर्जी निकलती है जब हम किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी निकलेगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन इसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करेंगे तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगी। अब रीजन क्यों, तो अब मैं दोनों ही एक साथ समझाता हूँ। जब हमने ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ऑक्सीजन न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया, और इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं 141 क्लोजूल एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज लाइक चार्ज होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो उस रिपल्सन को खत्म करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी, लेकिन हम नोटिस करते हैं एक्सपेरिमेंटल कि दी हुई एनर्जी तो ज़्यादा होती है और निकली हुई एनर्जी कम होती है, इसलिए ओवरऑल सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक आती है। तो अब 11th क्लास के बच्चों से पूछा जाएगा कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक क्यों होती है, तो बच्चे क्या बताएंगे, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज एनायन रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक इन प्रोसेस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन को समझा और ये भी समझा कि सेकेंड वाली एंडो क्यों होती है। इसके हेल्प से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा या देर में। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही जल्दी एक्सेप्ट करेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको हम बॉर्न हैवर साइकिल की हेल्प से निकाल सकते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव का अच्छा क्वेश्चन है कि लैटिस एंथैल्पी को किससे निकालते हैं, बॉर्न हैवर साइकिल से, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किससे निकालते हैं, बॉर्न हैवर साइकिल से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जब हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -9.83 क्लोजूल पर ग्राम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर मोल की कैलकुलेट करो। तो बच्चों क्या करेंगे हम, ये पर ग्राम में दी हुई है तो हम इसको, वन मोल का वेट कितना होगा, वन मोल का वेट होगा 71, तो 71 से इसको पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एटम की निकाली जाती है और एक क्लोरीन के एटम का वेट 35.5 ग्राम होता है, इसलिए हम 71 की बजाय, ठीक है ना, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक ग्राम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 35.5 ग्राम से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 349 क्लोजूल एनर्जी रिलीज होगी, जो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है। हम चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जो फैक्टर सबसे पहले इफेक्ट करता है वो होता है एटॉमिक साइज, ठीक है ना। ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस जितना दूर होता जाएगा उसका अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा और ग्रुप में
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। लेकिन हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेप्शन दिखाता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट एक्सेप्शन दिखाता है सेकेंड ग्रुप के कंपेरिजन में। अब जब ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और क्लोरीन की सबसे उससे कम, ऐसे ही ऑक्सीजन की ज़्यादा सल्फर की कम, ऐसे ही नाइट्रोजन की ज़्यादा फॉस्फरस की कम, ऐसे ही कार्बन की ज़्यादा सिलिकॉन की कम। लेकिन होता है उल्टा, क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से और सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से और फॉस्फरस की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से और सिलिकॉन की ज़्यादा होती है कार्बन से। अब बच्चा पूछेगा ऐसा क्यों, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे शायद आप समझ सकें कि फ्लोरीन और क्लोरीन दो टीचर हैं। फ्लोरीन 5x5 के कमरे में पढ़ाता है, ठीक है ना, और क्लोरीन 20x20 के कमरे में पढ़ाता है। दोनों टीचर के, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों टीचर के कमरों में साथ साथ बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब दोनों के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी साथ हैं। अब एट्थ बच्चा और ट्यूशन पढ़ने आ जाए, ठीक है ना, तो जो छोटा कमरा है उसमें फ्लोरीन पढ़ा रहा है, फ्लोरीन मास्टर खूब अट्रैक्टिव है, लेकिन क्योंकि रूम में जगह ही नहीं है इसलिए जो पुराने बच्चे हैं वो आने वाले नए बच्चे को जगह नहीं देंगे, तो वो बच्चा एंटर नहीं कर पाएगा। जबकि क्लोरीन टीचर के रूम में काफ़ी जगह है, नया बच्चा आकर आसानी से बैठ जाएगा और इस तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अब टेक्निकली कैसे लिखेंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम स्लाइटली लेस देन क्लोरीन। फ्लोरीन की वैल्यू होती है -3 to 5 और क्लोरीन की वैल्यू बच्चों होती है -349, जो मैंने अभी अभी न्यूमेरिकल्स में निकाल कर बताई थी। बिल्कुल सेम आंसर ऑक्सीजन और सल्फर में भी होगा और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में भी होगा। एक बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है कि ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होती है जो हाईली एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना 16th फैमिली में सबसे कम, इवन टेलोरियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इससे ज़्यादा होती है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं जो है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिट। अगर किसी एलिमेंट की बैलेंसी सेल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होती है तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो बेरिलियम भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है क्योंकि H2 होता है, और नाइट्रोजन P3 की वजह से स्टेबल हो जाता है और नियॉन P6 होता ही है। तो ये तीन एलिमेंट पीरियड में एक्सेप्शन दिखाते हैं जो हम इससे अगले फैक्टर में साथ में कंसिडर करेंगे, पर इन तीनों की लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रीज़न होता है कि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम चलते हैं सी फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों पीरियड, ये न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में लगता है, तो पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज करता है, इसलिए पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन अब जानते हैं कि ये जो तीन कॉन्फ़िगरेशन है कौन कौन से बच्चों, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से इन तीनों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी एलिमेंट से कम हो जाती है और इनकी जीरो होती है और बेसिक्स की इस बेरिलियम फैमिली की माइनस में, तो ये तीनों ही एलिमेंट लिथियम से पहले आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका ऑर्डर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। तो हम देखेंगे ये तीनों एलिमेंट यहां से हटकर यहां आ जाएंगे और इनका हो जाएगा नियॉन
ठीक है ना, नियॉन की सबसे कम, नियॉन के बाद में बेरिलियम और बेरिलियम के बाद में नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये इनका सही ऑर्डर हो जाएगा। और हम इसको यहाँ से नियॉन को हटा देंगे, यहाँ से नाइट्रोजन को हटा देंगे और यहाँ से बेरिलियम को हटा देंगे, और यही ऑर्डर हमारे आगे क्वेश्चन करने का बेसिस बनेगा, ठीक है ना। आप बच्चों इसको ध्यान से देख लो, अभी मैं सारे ही क्वेश्चन इससे कराऊंगा, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इसी ऑर्डर से सॉल्व होते, ठीक है। अब हम देखते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इररेगुलर ऑर्डर में इंक्रीज करती है, जो हम यहां भी देख सकते हैं, इन तीन एलिमेंट को हटा दें तो ऑलमोस्ट इंक्रीज करती है, जबकि ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। लेकिन हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट एक्सेप्शन दिखाता है, फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन से, ऑक्सीजन की सल्फर से, नाइट्रोजन की फास्फोरस से और कार्बन की सिलिकॉन से, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे, तो हम देख चुके हैं ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, लेकिन सेकंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कम होती है। इसका मतलब इस फैमिली की कम होगी, किससे कम होगी, इस फैमिली की कम होती है इस फैमिली से, और यही क्वेश्चन बरसों से आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव में करने का बेस्ट तरीका, ठीक है ना। तो हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो हमने यहां से देखा सबसे ज्यादा हेलोजन की होती है, और हेलोजन का रीजन होता है इनका साइज सबसे छोटा और चार्ज ज्यादा होता है। दूसरी बात, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हेलोजन की होती है, और हेलोजन में कौन एक्सेप्शन दिखाएगा, हेलोजन में एक्सेप्शन दिखाएगा फ्लोरीन। तो हम फ्लोरीन को क्या करेंगे, इसके आगे रख देंगे, जो मैं आपको रख कर दिखाता हूं। तो एक एक्सेप्शन, यहां से इसको हटाएंगे और फ्लोरीन को यहां रख देंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन की। अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या, P5, तो बच्चों याद रख लो जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन P5 होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन P5 होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, हेलोजन की। इसके बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, तो सबसे ज्यादा तो किसकी, इन चार एलिमेंट, ओके। अब इसके बाद फिर कौन सा होगा, सिक्स फैमिली आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन उसमें सल्फर एक्सेप्शन दिखाता है, तो सल्फर की ज्यादा हो जाएगी किससे बच्चों, सल्फर की ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से, और इन दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, P4। तो P5 की ज्यादा P4 से और P4 की ज्यादा P2 से, ठीक है ना। तो अब हमने देखा फिर कार्बन और सिलिकॉन आ जाएंगे। अब यहां से नाइट्रोजन फैमिली को हमने हटा दिया है। नाइट्रोजन फैमिली को हटाया क्यों है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो होती है। तो फिर हमारा 14th फैमिली आ जाएगी, और फिर इसमें फास्फोरस और एल्यूमिनियम और फिर बोरॉन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्मॉल साइज और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बहुत कम हो जाती है। तो सबसे कम 8th की होती है, फिर 2nd की होती है और फिर नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना, और पूरी बुक में सबसे कम हीलियम की होती है। तो 8th के बाद भी हीलियम सबसे कम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन करने, फिर से बच्चों मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा हेलोजन की, हेलोजन के बाद में ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली में आप ये एक्सेप्शन याद रखें, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन फैमिली में एक्सेप्शन याद रखें, फास्फोरस और नाइट्रोजन में फास्फोरस की ज्यादा होती है। ऐसे ही कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन की ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन है, किस एलिमेंट की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है? हमने याद कर रखा है सबसे ज्यादा फ्लोरीन फैमिली की होती है और फिर ऑक्सीजन फैमिली की होती है। तो हमने देखा एक ही हेलोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाईएस्ट होगी? अब सबसे अच्छा बच्चा तो वो जिसको याद ही हो क्या कि सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। इतना अगर हमने याद कर लिया तो हमें जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की, ये क्लोरीन इसका आंसर हो गया। तो हम देखते हैं, और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से किस में लोएस्ट हीट प्रोड्यूस होगी? लोएस्ट हीट प्रोड्यूस होते ही हमने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हीट देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में निकलती है, बाकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज में हीट का कोई चक्कर है ही नहीं। अब हमने देखा लोएस्ट हीट का मतलब वो हमसे पूछ रहा है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लोएस्ट है, तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे, लोएस्ट की तरफ से देखेंगे, और लोएस्ट में सबसे कम कौन सी, एट्थ फैमिली की। तो कोई एलिमेंट एट्थ फैमिली का है? नहीं। एट्थ के बाद फिर सेकेंड फैमिली का, तो देखा कोई सेकेंड फैमिली का है? नहीं। और सेकेंड फैमिली के बाद में फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नंबर किसका आता है? फिर आता है नाइट्रोजन का, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, आप ऑर्डर देख सकते हैं, सबसे कम एट्थ, फिर सेकेंड और फिर नाइट्रोजन। अगर आप इतना करेंगे तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखें जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चन इफेक्टिवली कर सकें, ठीक है ना। ये ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आज तक 60 साल में इसके बाहर कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आया है। अगर आपने ऑर्डर याद कर लिया तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझने की भी जरूरत नहीं है, बस वो जिसकी कहे ज्यादा तो ऑर्डर से बोलते जाओ, जो मिल जाए पहले उसको कर दो, अगर कम कहे तो एड से शुरू हो जाओ और कर दो। मैं आपको बताऊंगा और ढक्कन तरीके जिससे आप बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन कर सकें, और 11th के बच्चे जेई 2021 में डेफिनेट सेलेक्ट होते, देखते रहें और दूसरों के साथ शेयर भी करते रहें।